अजय सर ने और काजल मैम ने एक साथ में फिल्म की थी इश्क, उसमें एक सीन में अजय सर काजल मैम को देखते हैं और देखते देखते इनको पता ही नहीं चलता कि कब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में लगे हुए पाइप पे चलने लगते हैं। अच्छा, हाँ, रियल लाइफ में भी कभी इन्होंने ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत की? आप पाइप पे नहीं चढ़े गाड़ियों को बहुत शौक है जी, स्पीड का बहुत शौक है, तो गाड़ी भगाते थे बहुत बहुत, मतलब स्पीड से चलाते थे बहुत, तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब आप और ज्यादा रैश चलाती हैं या? नहीं नहीं, अच्छा थी, ये बिना देखे चलाती कोई राइट से आए कोई लेफ्ट से आए उसका प्रॉब्लम है, वो आ रहा है गलती आपने सीधे जाना और की होती है ना। अच्छा, आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं, तो घर में आपके बच्चों के भी आप फेवरेट हैं कि उनके कोई फेवरेट एक्टर अलग हैं? मेरी बेटी के सामने अगर किसी, सब सभी का नहीं बट किसी का बाय चांस नाम ले लो तो बोलती है पॉप हूजी। अच्छा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही स्टार है दुनिया में, दैट इज अजय देवगन। क्या बात है, होना भी चाहिए सर। आई थिंक हर हर बेटी हर के आंखों में बिल्कुल, बिल्कुल, सर। एक ही स्टार होता है बिल्कुल, जब तक वो बड़ी हो जाए फिर दूसरा एक स्टार उसकी लाइफ में आता है। यार मैं कितना पागल हूँ, मैं आप कितनी देर से आए मैंने चाय भी नहीं पूछी आपको। आज तक कौन सी पूछी। चाय पानी से मुझे याद आया मैं बाथरूम जाके आता हूँ। बाथरूम? हाँ जी सर। कहाँ से? आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, आप वाइट डोर से अंदर जाएंगे, आगे मैं ढूंढ लूँगा। अच्छा मैम एक बात बताइए जी, अभी तो अजय सर है नहीं, सही सी बताना, जब ये किसिंग सीन हुआ था आपको जेलसी नहीं हुई थी देख के टीवी? तो पता ही नहीं था तो, जब देखा तो? जब देखा तब? सिंगम की मुंडी मरोड़ी की नहीं? वो दिलवाले में गन थी ना वो निकल आई थी फिर तो बहुत क्यूट है ना काजल मैम, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तारीफ करूं, मेरे बगल में बिठा दिया आपने। कल तक जब मुझको होश था आज ये बेचैन है को, आ आ आ आ ओ या डॉक्टर साहब आई एम इग्नोरिंग यू। कल तक मुझको जब होश था डॉक्टर साहब काजोल। हाँ मुझे पता कल आने वाली है ना। नमस्ते जी। नमस्ते काजोल जी। हाय डॉक्टर साहब। काजोल जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी। आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आत रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के MD हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हूँ ही नहीं, डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी है। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी। हाँ जी। और हैंडसम दूर... भी डॉक्टर हैं। मुंह तो दिखाइए आप। हाँ फिर। नहीं हम डॉक्टर हुए नहीं, तुम क्या दिखाना। तुम थोड़ा दूर रहो यार, हमारे डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए है कि नहीं? नहीं सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी ये था ये है ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर पर एक बात हम कह देते हैं, कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है शायद, उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की कोख से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ गधे हाँ। भी पैदा होते हैं। ऐसे था
डॉक्टर मशहूर लाठी, जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजी से टकले। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर, हेलो, मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। रहिए रहिए रात सब। इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए, आप समझते हैं मुझे। इधर बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं आई एम जेंट्स। डॉक्टर साहब आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ सारा पता। डॉक्टरों के आपको इलाज करना नहीं आता? आपका तो मुंह काला कर देना चाहिए। मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। आइए बाजी। काजल मैम, आप बहुत चुलबुली हैं, शरारती हैं, बचपन में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रही होंगी आप। आपने कभी मम्मी से डांट खाई है? कोई आपको ऐसी शरारत याद है आपको? रोज डांट खाई है मुझे। मेरी माँ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है जब तक मेरे को डांट या मार नहीं पड़ती है। तो बहुत ज्यादा शरारत करती थी आप? हाँ। पर कैसी, फिर भी कौन सी ऐसी मेजर शरारत रही होगी जिस पे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो लाइफ में सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी, लेकिन मार सॉलिड पड़ी थी उस दिन। मेरे को एक बुरी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं जाके अपना सर पटकती थी जमीन पे। आज तो प्रॉब्लम समझ में आई है, पहले बता देती हूं। उस दिन एक बार किया, दो बार किया, मम्मी ने बोला मत करना, करेगी तो देखना, करेगी तो देखना। तीसरी बार जो उठा के बर्तन फेंके मेरे ऊपर, बैडमिंटन का रैकेट उठा के मेरे को मारा है पकड़ के, कि फिर से पटकाना तो उससे ज्यादा मैं तेरे को पटकूंगी। अच्छा देख लो पाजी, है ना, बड़े घर के बच्चों की शरारतें भी कैसी हैं, खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ऐसे करके। मारे जैसे बच्चों की शरारतें बाजी अजीब ही होती हैं, आपको पता? एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को मार के कहीं बच्चे भाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, बहन के बाल काट देते हैं। मतलब हाथ में माचिस आ जाए, पर्दों में आग लगा दी। तो हमें भी बड़ी मार पड़ी है, हमारे तो चोटें भी, अभी जैसे अच्छे घर के बच्चों ने चोट लग जाए कहीं, तो माँ खुद दवाई ले जी मेरी बेटी को चोट लगी। हमारी माए तो पहले बच्चा चोट लगवा के आए, ऊपर से 15 थप्पड़ और मारती, राक्षस पैदा हो गया घर में बच्ची में। अच्छा आपको पता पाजी, काजल मैम की एक स्पेशलिटी क्या है? क्या? ये बहुत एक्सीडेंट प्रोन है। है? हाँ, हर फिल्म के सेट पे इन्होंने तकरीबन चोटें लगाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गई, खुद को। सिर्फ सेट पे नहीं, घर पे भी है। घर पे भी? तो आपके साथ कभी पार्टी वार्टी में गई हो, पता चला हो ऐसे जा रहे हैं फड़क करके नीचे मैडम की? पार्टी पे जाओ, हील पहनी होती है, बोलती होल्ड मी। अच्छा, धीरे धीरे मैं ऐसे होता जाता हूँ। होल्ड मी मतलब क्या होता? अच्छा बीच में मेरे को बोलते हैं ये क्या तरीका है, ये कौन सा स्टाइल है जो जूते बड़े बड़े पहनने हैं तेरे को। आपको कुछ आता नहीं है स्टाइल और फैशन के बारे में, मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ। बाहर हम होते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं काजल से बात कर रहा हूँ, घर पे आते हैं तो ऐसे लगता है ये ग्राउंड फ्लोर पे क्यों चली गई। एक बार कुछ कुछ होता है कि शूटिंग चल रही थी तो काजल साइकिल से गिर गई, तो सारे यूनिट को टेंशन हो गई कि क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए यादाश्त चलेगी, इन्होंने किसी को पहचानना ही मना ही कर दिया कि मैं किसी को पहचान नहीं रही। फिर करण जौहर ने फोन मिलाया अजय सर को, इन्होंने फोन पे बात की, उसके बाद शायद इनकी यादाश्त वापस आई। ऐसा क्या बोला था पाजी आपने फोन पे? कोशिश तो ये कर रहा था, बोलते सब भूल जा, अभी तुझे कुछ याद नहीं है, उल्टा हो गया। अच्छा मतलब आप चाह नहीं रहे थे यादाश्त वापस आए? अब हर चीज अंडरलाइन करनी पड़ती है। अच्छा वैसे काजल मैम बड़ी हसमुख है,
वैसे लेडीज को और किसी हर लाइन पे आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल देते हो और ऊपर से मेरे को पीछे से डांट पड़ती है हर लाइन पे. तीसरी बार है, अरे काजल जी बहुत हसमुख है लेकिन गिरने की आदत है, काजल जी बहुत ये है लेकिन ये करती है. दूसरी बात पे लेडीज को और किसी पे गुस्सा आए ना आए, पति पे तो आ ही जाता है कभी ना कभी. कभी आपके साथ गुस्सा हो जाए पर ये हंस हंस के डांटती है, जी व्हाट इज दिस, ऐसे तो नहीं होता, उस समय सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं. नहीं एक्चुअली उस वक्त ये चुप हो जाती है. अच्छा बात नहीं करती है उस समय, ये अजय देवगन बन जाती है साइलेंट रोल रिवर्सल. अच्छा चलिए ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए. बाकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों. हाँ, उसके अच्छा बाद? नहीं नहीं आपको पता पाजी, काजल मैम ने कहीं पे एक बार कहा था कि कोई मूवी का एक सीन कर रही थी, वो करते करते इनको रियलाइज हुआ कि अजय जो है वो मेरे लिए बने हैं. वो कौन सा सीन था मैम? एक्चुअली सीन था कि मैं उसको थप्पड़ मारने वाली हूँ और मेरा हाथ पकड़ लेता है एक्चुअली. तो उस वक्त हम हलचल की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा. इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस फीलिंग्स दैट यू गेट विथ समबडी, यू जस्ट नो, आपको जस्ट पता चल जाता है कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा. अच्छा, मुझे लगा था एक्चुअली कोई ऐसी चीज होगी कि ऐसे पैर में कांटा चुभ गया तो ऐसे आए होंगे, मैं निकाल देता हूँ. तो चलिए अजी, ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे पता नहीं क्यों शक है, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपने कुछ आंखों से ही कुछ कहा होगा. हाँ, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं. मुझे भी सोचना पड़ेगा एक मिनट. हाँ बोला कभी? नहीं बोला. शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था. ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ इनको रियलाइज हुआ था, जहाँ ये हाथ उठाती है और मुझे वो सीन याद नहीं है. लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था. तो फिर वो आखिरी बार मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? नहीं नहीं. नाइस. हाँ हाँ. उसके बाद हाथ हाथ में नहीं आया ना, थप्पड़ ही आया. जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से है ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है. अच्छा. लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी एक्चुअली. अच्छा. मेरे एनिवर्सरी पे बेसिकली जो गाड़ी मुझे यूज करनी होती मैं इसको गिफ्ट दे देता हूं. अच्छा पाजी, एक बात बताओ, ये सवाल आप दोनों से है. नॉर्मली जब कोई शादीशुदा जोड़ा हनीमून पे जाता है ना, हाँ. उनका वापस आने का मन नहीं करता. वो कोशिश होती कि चलो कोई बात नहीं यार, चले जाएंगे. मैंने सुना आपने हाथ जोड़े थे कि मुझे वापस ले चले. शादी से पहले इन्होंने कहा था जी कि हनीमून पे जाएंगे और कितने 2 महीने का 2 महीने का नहीं. अच्छा. तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था. तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग. अच्छा. आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले. मेरी तबीयत बुरी नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वापस चले. बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया. मैंने बोला क्या हुआ है, आई एम होम सिक. भाजी आपने कभी जैसे अपनी फैमिली में सारे रिश्तेदार होंगे जो सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे, आपने काजल मैम को सिखाया कभी कुछ पंजाबी का? आपको आते हैं कुछ कुछ वर्ड्स? समझ लेती है. kind of. बोल नहीं सकती. So, so. मेरे घर पे ज़्यादा लोग पंजाबी नहीं बोलते. माय फादर स्पीक्स, माय मदर स्पीक्स. मेरी जो सिस्टर्स है वो भी ज़्यादा नहीं बोलती हैं. ओके. ये प्रॉब्लम है मुंबई शहर का. जी. तो आपने लेकिन मैंने मराठी सिखा दी उनको. अच्छा. एक आदि लाइन. ये पिछली बार काजल मैम मिली थी तो इन्होंने कहा था कि आता माजी सटकली, मैंने ही बोला था. पाजी आप दोनों मियां बीवी हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फटाफट आपको एक दूसरे के बारे में बताना. मैम अजय सर की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा? जी. मेरी बेटी. आपने पूछा, आपने ये नहीं बोला फेवरेट एक्ट्रेस, वो तो बहुत छोटी है, पिक्चर भी की है या नहीं, आपने ये नहीं बोला, एक्ट्रेस पूछा ना, तो मेरी बेटी. चलो ठीक है, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं जी.
काजल मैम को आपकी कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है? काजल मैम को जी कंपनी, मारधाड़ वाली मूवी नहीं, कंपनी में आई लाइक्ड कंपनी बिकॉज़ आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस. एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कंपनी में. आई थॉट वाज वेरी अंडरस्टेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एक्चुअली. अच्छा, अजय सर का कोई फेवरेट गाना जो हमेशा ही कभी फ्री टाइम में गुनगुनाते रहते हो? फ्री टाइम में घुर्राते हैं, गुनगुनाते नहीं है. अच्छा काजल मैम को कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी नहीं आती? सवाल चेंज करते हैं, कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी आती? No, she doesn't cook. अच्छा, कुक करती नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया है या इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दो. आई कैन डू दैट मच अपने टेस्ट के हिसाब से. गुड गुड. अजय सर के वॉलेट में इस समय कितना कैश होगा? मैंने कितने दिए थे सुबह? अच्छा काजल मैम का जब गॉसिप करने का दिल करे, चुगलियां करने का दिल करे, किसको फोन करती हैं? पहले घर वालों को ढूंढती हैं. अच्छा, सारे घर वाले बिजी होते हैं तो फिर जो नंबर पहला हो फोन बुक में. मैं एक्चुअली उनको फोन करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया कहीं पे तो पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठी चली जाती है. आज क्या हुआ, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड एंड दिस 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 दिस, पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चली. और मेरा जवाब होता है ओके. अच्छा लास्ट, आपको काजल मैम के 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पता है आपको कितने परसेंट आए थे? फेल. You and failed. आपको अपने मार्क्स याद है? 65. श्योर? यस, डेफिनेट. और अजय सर के कितने आए थे? अजय सर के मेरे हिसाब से 68 और समथिंग. नहीं नहीं, उतने आए थे, 65. 65 के आसपास, याद नहीं है. काफी अच्छी केमिस्ट्री है. भी लिखाई में भी सेम थे.